अरे आधा आसन इधर तो अगर नहीं किया वो कैसे बैठेगा? हाँ बैठा बैठ
आज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ कांदव प्रणाम स्वीकार है। और दो दिन जावत हम लोग ने साक्षी गोपाल की कथा बहुत सुंदर रूप में, सरल सहज रूप में, तत्व सिद्धांत के साथ इस कथा को जो है वर्णन किया। कथा प्रसंग है, दक्षिण देश में कौन सा विद्यानगर के रहने वाले दो ब्राह्मण है, एक बड़े ब्राह्मण और एक छोटे ब्राह्मण, और एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवक ब्राह्मण, दोनों तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल पड़े और गया काशी गया आदि दर्शन करते हुए अनंतर मथुरा आदि धाम को दर्शन करके और नंदगांव बरसाना आदि समस्त धाम के दर्शन करके उन्होंने वृंदावन में पधारे और वृंदावन में गोविंद देव के दर्शन किया। गोविंद देव के दर्शन में देखा कि अभय पर निकट में बहुत सुंदर गोपाल भी दर्शन और उस गोपाल मंदिर में दोनों ब्राह्मण विश्राम भी करने लगे। यहाँ तो भाई जो बड़े ब्राह्मण जब विश्राम करते सो जाते थे, छोटे ब्राह्मण उनके चरण कमल आदि संभाषण भी करते थे, माने चरण कमल के भी दबा देते थे, पाद संभव पाद दबाए चरण को दबाए। इसी प्रकार से बड़े ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देखो मैं बहुत प्रसन्न हो गया तुम्हारे सेवा में, मैं तुमको एक वर देना चाहता हूँ, कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। छोटे ब्राह्मण बोले, देखो सेवा कोई किसी से लेन देन नहीं होता, सेवा कोई व्यापारी नहीं है। जैसे ही व्यापारी वाणिज्य करते हैं लेन देन होता है, सेवा कोई लेन देन की वस्तु नहीं है, सेवा तो एक दूसरे के प्रति के लिए ही होता है, और विशेष करके मैंने आपको जो सेवा किया ये केवल कृष्ण पितार्थे कोरी सेवम। उन्होंने कहा, छोटे ब्राह्मण ने बहुत मधुर स्वर से दीनहीन कर कर के कहने लगे, ये मैंने आपको जो सेवा की ये कहा गया, संग भगवान भोजन आदि सब कुछ करते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, जो लोग ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हैं उनके कभी मंगल नहीं होता है। जीव मात्र ही कर्तव्य, जीव मात्रों के कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा करना। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण दर्गाधीश कृष्ण अपने मित्र सुदामी पृथ्वी कैसे चरण सेवा आदि करके जगत में स्थापित कर दिया। नमो ब्रह्मण देवाय, मैं भूल गया, गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंद। देखो मैंने आपकी जो सेवा की, जो कुछ भी किया ये ठाकुर जी के सेवा प्रति के लिए, कृष्ण पितार्थ सेवा तो उसी के कहा जाता है, कृष्ण पितार्थ भगवान की प्रति के। किंतु बड़े ब्राह्मण कहने लगे, नहीं नहीं मेरे भी एक कर्तव्य है, आपने इतने सुंदर सेवा किया, मैं आपको दान देना चाहता हूँ कुछ। चलो है, ब्राह्मणों के भी कर्तव्य क्या होता है, छह प्रकार के कर्म होता है, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिज्ञा। अध्ययन वेद शास्त्र आदि स्वयं अध्ययन, और भागवत में वो किक्लास क्या नाम है वो लिख महाराज के पखान सुना, लिख महाराज के पखान सुने ना, लिख महाराज इतने दानी थे
आकाश आकाश के तारे को गिन सकते हैं, बोले इतने गाय बछड़ा दान किया उसके कोई गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं नहीं लेते हैं। किंतु कर्म मार्ग में यही रीति है, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में थोड़ा इतना ही जो है फर्क है। कर्म मार्ग में भगवान उसके नाम जी ने क्या धन देते हैं क्या करते हैं, सुचिनाम श्रीमता जोग भ्रष्ट, गीता में भगवान भी कहते हैं सुचिनाम श्रीमता और तीसरी जब मैंने आपको सेवा किया ये ठाकुर जी के कृष्ण चित्तार्थ मेरा न करो, जो कहूंगा कहूंगा वो तुम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तुमको मैं मजा चखाती हूँ। बोले कैसे, बोले अच्छा देख कपड़ा धो, कपड़ा धो, मेरे कपड़ा धो तुम, उस समय तो मैसेज नहीं था ना, कपड़ा धो मेरे लिए रसोई बनाओ, नहीं बनाओगे मजा चखाता हूँ। बोले क्या चखा दो, मजा चखाती हूँ। बोले क्या, बोले एक रस्सी लेकर गला फंदने के और सारे लोगों के इकट्ठे, अरे मैं क्या बोला था हाँ? कहते हैं मैं चेयरमैन, मेरा पत्नी चेयरमैन और मैं है? उनके उनके जो है दास हूँ, सुंदर भूल गया बताए हुए बात है, बच्चों बोले वही करो का ना, अच्छा चलो कन्यादान वास्तव रूप में आजकल कन्यादान को तो बिक्री हो जाए, दहेज प्रथा को उठाना चाहिए, दहेज प्रथा जो है आप धनवान हो और मैं गरीब, तो आप तो वचन दे दिया किंतु आपके परिवार के लोग थोड़ी सम्मति थोड़ी देंगे है? आपके पत्नी भी है, आपके बेटा भी है और आपके सगे संबंध भी, वो भी कैसे माने, बड़े भी प्रकारे लगे कोई बात नहीं है, लड़की मेरा संपत्ति है ना दान, मैं आपको वचन दे दिया बस है और मेरे बेटी की शादी कर। सेठ जी बोले देखो धन तो ले जाओ किंतु ऐसे तो नहीं देंगे, तुम्हारे क्या है, बोले वास्तु भी का है दो चार कट्ठा जगह है गरीब लोग, ठीक है उसके दलील और दस्तखत कर दिया। केवल ने क्या की भाई विद्वान पढ़ लिखे तो नहीं है, दस्तखत कर दिया, ना थोड़ा भूल गया मैं, पहले वो सेठ जी ने साइन कर दिया जब मुझे 3,000 रुपया प्राप्ति हुई, ऐसे इसे लिख करके दे दिया। थोड़ी दूर जब चलने लगे, दो कदम चलने लगे, सेठ जी उसके बुलाया, सेठ जी बोले केवट जी आ जाओ वो कागज मुझे दे दो, कागज उससे ले लिया जो प्राप्ति हुई ना, सेठ जी साइन करके दे दिया था वो कागज ले लिया। सेठ जी के बुद्धि में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया, सेठ जी उसको ऐसे के कागज ऐसे ऐसे करके, कुछ साइन फाइन कुछ नहीं है, ऐसे करके उसको कागज दे दिया। केवट के पता नहीं है क्या लिखा नहीं लिखा है, केवट घर चले गए। 3-4 दिन के बाद सेठ जी ने अदालत में मुकदमा कर दिया, मामला कर दिया, जे केवट ने मुझे पैसा नहीं दिया और उसकी जो जमीन जो है 3 कट्ठा 4 कट्ठा जो जमीन जो है उसको जब्त कर लिया। पर 3-4 दिन बाद समन जारी आ गए, जज साहब उनके बुलाया, केवट के बुलाया, क्या तुमने उसके पैसा लिया था, जो जो घटना हुई उन्होंने कहा, लगे जज साहब के पास, जज साहब समझ गए, किंतु अदालत तो आईन के ऊपर निर्भर करते हैं, नियम के लॉ के ऊपर, तो जज साहब ने ये कहा, ये बात बताओ तुमने जब पैसा दिया था कोई विटनेस है, जैसे साक्षी को बोलते साक्षी है, केवट ने इतना ही कहा दिया, बहुत सरल 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 व्यक्ति है, गांव के रहने वाले है, बोले हाँ रामजी लाल सब जानते हैं, रामजी लाल अर्थात वो भगवान राम के, किंतु जज साहब ने ये सोचा रामजी लाल नाम से कोई व्यक्ति होगा गांव में, वो इसके जो है साक्षी है,
और वो दलील को जो समंजरिया है ना उसके ठाकुर जी के सामने रख दिया। इतने समय शाम के समय कोई लिखे पड़े पंडित लोग आ गए और बोले देखो यार ये पॉलिटिक कागज दे गया, ये क्या है? जो कहने वाली यार ये तो समंजरी है। पुजारी कहने बोले देखो विवाह शादी में तो बहुत कुछ आते हैं और ठाकुर जी के साम आज क्या हो गया, सामान जारी आ गया। सामान आता है ना, द्रव्य सामग्री जो है, क्या बोलते हैं, द्रव्य सामग्री आते हैं ठाकुर जी के भेंट के लिए। रामजीलाल कौन है? आवाज कोर्ट बंद होने वाले था, छह मानव बाजी गया, जज साहब उठने वाले थे, जज साहब के मन में बोला अच्छा अंतिम में पूछ लेता हूँ, रामजीलाल कौन है, गवाही देने वाले? तो एक वृद्ध था, बहुत मतलब 80-90 साल से एक वृद्ध था, कमर ऐसे झुके हुए थे और हाथ उठा करके बोले जज साहब मैं हूं जम रामजीलाल। जज साहब पूछने लगे क्या है? उनकी जो प्राप्ति 3,000 रुपए जो प्राप्ति हुई, उन्होंने जो सेठ जी लिखा था वो कागज सेठ जी के 12 नंबर अलमारी में और इसमें पर रखा है। साथ ही साथ राम नीचे होकर के उसी देश ने उन्होंने क्या की, सब रिजाइन दे दिया। ये वृंदावन की कथा है और देख करके देने के लिए है। और दूसरी बात है, ये दुर्देश की बात है, छोड़ दिया गया। और गांव के लोग यदि बुलाए क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, हम कह देंगे ये मेरा पिताजी साथ है तो गए थे सत्य है, किंतु ये हमारे पिताजी के बहुत धन था, ये छोटे ब्राह्मण बहुत लोभी है, लोभी है, ये मेरे पिताजी के सारे धन को लूट लेंगे। बात तो सत्य है, ये ऊंचे कोटी के ब्राह्मण है, तुम निम्न कोटी के ब्राह्मण हो, तुम गरीब हो, ये धनी है, कैसे हो सकता है? तो छोटे विप्र बहुत विनम्रता के साथ दीनहीन के कहने लगे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। देखो कन्या विवाह के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये ब्राह्मण के वचन सत्य करना कैसे है वो मैं स्थापन करना चाहता हूं। ब्राह्मण के वचनों के सत्य होना चाहिए, इसलिए विटनेस हमारे ठाकुर जी है गोपाल। तो गांव के लोग बोले, मुखिया लोग बोले ठीक है, यदि गोपाल ये पर आकर के साक्षी दे डायरेक्ट तो हम मान लेंगे। ये बड़े विप्र ब्राह्मण के जो है करना दान देना ही पड़ेगा। चलो छोटे विप्र बोले ठीक है, मैं ठाकुर जी के लेकर आता हूं। छोटे विप्र फिर दोबारा वृंदावन में आ गए, आकर के ठाकुर जी के निकट प्रार्थना करने लगे, करके ठाकुर जी आपको जाना ही पड़ेगा आपको। ठाकुर जी कहने लगे देखो कोई भी बात नहीं, तुम जाओ लौट करके जाओ और गांव में दोबारा सभा बुलाओ, मैं वहां पर साक्षात प्रकट होकर के मैं बचत ये बोल दूंगा, साक्षी दे दूंगा। बोले नहीं प्रभु ऐसे नहीं होगा, आप अकस्मात प्रकट हो गया और चतुर्भुज शंख चक्र पद्माधारी हो गया तो कहेंगे बोले ये तो चतुर्भुजधारी है, वचन किसको दिया था? द्विभुजधारी मुरलीधारी के गोपाल भाई जज साहब है ना, वो थोड़ा कहीं कहीं और वीकनेस वीक पॉइंट देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? हाँ अंतर है। हाँ जज साहब के कहेंगे, वकील कहेंगे भाई तुमको किसने विटनेस दिया था? बोले गोपाल वो कितने हाथ था? 2 हाथ था, मंसी 12 था, ये तो 4 हाथ वाले, तो ये विटनेस ठीक नहीं, ये गवाही झूठ है, होगा नहीं कि अरे धनी मात्र अमर सुनिवा सही शब्द अमर गमन प्रति प्रतीति करिवा एक से रन्ना डांग रानी करह समर्पण
ताहा खाया तुम्हार संगे करीब गमन। जब भाई जब स्वयं गोपाल कहने लगे ठीक है ब्राह्मण मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूंगा, एक वचन का एक बात बताता हूं, ठाकुर जी कहने लगे देखो तुम आगे आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं है? तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे कि नहीं है? ठाकुर जी कहने लगे देखो मेरा चरण के नुपुर के ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ेगा है? एक बार देखो तुम पीछे है? लंबा हो छोटे हो पता नहीं है, वहीं पर मिले ना मिले इसे खा पी करके जाना सबसे बढ़िया होता है कि नहीं है? क्या जी खाके जाना चाहिए। हाँ खाके भी जाना चाहिए, बिना खा से जाना उचित नहीं। कहते ये सोचना वहीं पर मिले ट्रेन लेट हो गया तो फिर भूखे रह जाओ है। इसलिए ठाकुर जी भी उसी प्रकार है, नटखट ठाकुर जी है ना, वृंदावन के ठाकुर कैसे है नटखट। ठाकुर जी कहने लगे मुझे 100 किलो चावल के जो है खीर बनाओ और मैं खा पी के चलता हूँ। हर दिन अक्का जी चल रहे ब्राह्मण तार पचुआ गोपाल करीला ऐसे विचार करके छोटे ब्राह्मण क्या करने लगे, कम से कम ठाकुर जी एक बार दर्शन कर लू है। जो सदगुरु ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चल रहे कि नहीं चल रहे, ना केवल नुपुर के धनी आ रहे, ऐसे विचार करके छोटे विप्र ने किया कि पीछे घूम करके देखा ये सदगुरु ठाकुर जी है विद्यमान है खड़े हुए। ठाकुर जी हंस करके वहीं पर ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए वहीं पर खड़े हुए। ठाकुर जी ने वचन दिया ना तो मुझे देख लिया तो मैं एक पैर आगे नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण कहे तुम्हें जाओ निज घर, ब्राह्मण रे कहे तुम्हें जाओ निज घर, हेता आई रही पामी ना जब तपन तबे सही विप्रजाई नगरे रही लो सुनिया सकल लोग चमत्कार वही लो। देखो कितने सुंदर ठाकुर जी है। ठाकुर जी संग कहने लगे भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते है, कहां वृंदावन और कहां विद्वान है। मैंने कहा ना कोई कम से कम 2500 किलो और ठाकुर जी पैदल पैदल भी आए। देखो भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, पैदल पैदल ठाकुर जी चल पड़े। कहते जैसे मैंने सुबह मायावादी लोग भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं, जैसे हमारे निकट में जो मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर शंकरवादी लोग, ये लोग भी विग्रह सेवा आदि करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जन्माष्टमी आदि सब व्रत पालन आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग भी करते हैं, अंतर क्या है? इसी को लोग समझ नहीं पाते, इसको समझना चाहिए। एक अद्वैत बात उसके विचार एक मायावादी साध एक वैष्णव साध, वैष्णव साध में भी अनेक प्रकार के तारतम्य है, वो गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो सन्यासी हो उसमें कोई जय भजन सही बड़ा अभक्त इच्छा कृष्ण भजन रे नहीं जाति कुला दी विचार, ये नहीं है वो सन्यासी हो गया वो बड़े हो गया मैं गृहस्थ हूँ मैं छोटा हूँ ऐसे नहीं। वैष्णव सिद्धांत तो है यह है जो भजन करता है, जो सन्यास लेकर के भजन नहीं करता है केवल भोजन करता है वो साधु नहीं है, उसको क्या कहा जाता है स्वाधु कहा जाता है। भजन भक्ति राज्य में श्रेष्ठता उसमें है जो भजन है, जय भजन से ही बड़ा अभक्त इंचार कृष्ण भजन है नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में कोई जाति कुल ऊंची नीच नहीं है, है? भजन कौन कितना करता है उसके ऊपर निर्भर करता है, ये दिखा विचार भी है ये तत्व विचार भी देखना पड़ता है, है? ये मायावादी किसको कहा जाता है, मायावादी साधु किसको कहा जाता है, वैष्णव साधु किसको कहते हैं, केवल तिलक लगाने से साधु नहीं होता है, गले में कंठी धारण करने से साधु नहीं माना जाता है, साधु की कुछ गुण है।
आश्रम साधु के गुण है, गुण के पूजा करना चाहिए है, केवल ऊपर के बेस के पूजा नहीं, बेस के आदर करो ये ठीक है, है? हम नहीं कर रहे हैं जिसके निंदा, बेस के आदर करो और गुण के पूजा करो। हाँ समझ में वकील साहब क्या बोला, और गुण के क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और बेस के हमें आदर करो सम्मान करो ठीक है। और लल कपड़े लिए हैं, सन्नास लिए हैं, अच्छी बात है, इससे हम आदर कर सकते हैं। पूजा किसमें, इससे गुण किसमें है, साधु नाम साधु भूषणम, क्या श्लोक है पहली लाइन, अरे मैं बोलता रहा है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्व देहिना है, तितिक्ष सहन करने की क्षमता साधु में होना चाहिए, तितिक्ष कहा जाता है, तितिक्षव, तितिक्षव है सहन करने के जो क्षमता, टॉलरेंस, साधु में गुण होता है क्या, टॉलरेंस, टॉलरेंस समझ में, ये साधु के पहले गुरु का तितिक्षव कारुणिका, सर्व समस्त जीवों के प्रति करुणा प्रकाश करना, ये साधु के दूसरी गुण है, क्या करुणा है, सब जीव संसार में कैसे दुखी है, ऐसे दुखी जीवों के प्रति करुणा करना है, ये साधु के कर्तव्य है। करुणा क्या है, उनकी भगवत नाम आदि देकर के इस संसार से मुक्त करा करके भगवत धाम में ले जाना, ये साधु के कर्तव्य है। ये करुणा करो सबके प्रति, इसलिए कहता है भक्ति विनोदे दया करो विचार, विचार कर ले चित्ते पाई के चमत्कार, ये करुणा है सब जीवों के प्रति करुणा करो, ये संसार में जीव कैसे दुखी है, है? ऐसे क्यों दुखी है, भगवत भजन नहीं कर रहा, कृष्ण विमुख होकर के इस माया के द्वारा इस संसार में कैसे कष्ट पा रहे, ऐसे जीवों की कल्याण करने के लिए साधु क्या करते हैं, सर्वत्र हरिनाम प्रचार करते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम और नास्ति वा नास्ति वा प्रतिदम, है जीवों के प्रति करुणा ही है, नाम तक प्रचार करो, तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, समस्त जीवन के प्रति मित्रता भाव रखो, कोई मेरा शत्रु नहीं है, और तितिक्षव कारुणा सुहृदे सुंदर आज अजात शत्रुव, अजात शत्रुव किसी के शत्रु नहीं मानते, उसके कोई शत्रु नहीं जानते, जैसे युधिष्ठिर महाराज, देखो युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ होते हुए पर भी उसके साधु के नाम पहले आ जाता, अग्रगण्य हो जाता, अग्रगण्य से पहले उनके नाम आता है, युधिष्ठिर महाराज के नाम आ रहे हैं भागवत में, स्वयं नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं मैं तो 33 सन्यासी हूँ, ये युधिष्ठिर महाराज आप जैसे महान हो न भूत न भविष्य, जुवंग नीलके पर जुवंग नीलके पतभूरी भागा जे सांग्रियानां बसतीति सक्षात, सैम नारद ऋषि करे युधिष्ठिर महाराज जुवंग नीलके, जो बने आप लोग बहुवचन पांडव लोग हैं ना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी कुंती इन सब पांडव में, जुवंग नीलके बतभूरी भागा, अहो आप लोग की आप लोग की महिमा क्या वर्णन करूं, आपके भाव तो अतीव सुंदर, बतभूरी भागा है, जुवंग नीलके बतभूरी भागा जैसा गृहणं वसति साक्षात, जिनके गृह में साक्षात भगवान पर ब्रह्म नीलोके इस संसार में कैसे विराजमान होते हैं, बोले साक्षात मूर्तिमान होकर के यही बैठे, माने वो कृष्ण साक्षात उस समय युधिष्ठिर महाराज के गृह में विराजमान थे, गुणम परब्रह्म, वही परब्रह्म गुणम आज आपके गृह में साक्षात में विराजमान, और आप लोगों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए जानी आप लोग के दहली है ना चौखट, ना क्या बोलते हैं, है? अरे दरवाजा के जो लकड़ी होता है ना चौखट, बोले उसी के जो धूल पड़ जाता है, बोले उस धूल को
प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आते हैं। देखो आप लोग कहते इस श्लोक में आ रहे जीवन लोके बतभूरी भागा जैसा गृह नाम बसति थी साक्षात गुड़ प्रमोनी लोग स्वयं भगवान आप लोग के घर में कैसे विराजमान। नारद जी कह रहे मेरा कहने की तत्पर जो है को भी मत सोचे कई जो त्यागी बड़ा है और गृहस्थ छोटा है ये नहीं हो सकता है। नारद जी से भागवत में इसके पुष्टिकरण कर दिया है। भजन के ऊपर कितने होता है वो भजन कितना कर रहे हैं यही दिखा देता है। चलो आगे कथा सुनाता हूँ। आरती 7 बजे हो जाएगा। अरे 10 मिनट बाद होगा तो क्या होता है। अच्छा 7:15 पर होगा। अरे वही तब कथा तो आनंद होता है ना। कथा नहीं व्यथा है। कथा तो सब बोलते हैं ये कथा सुन करके हृदय में यदि व्यथा नहीं हुआ तो क्या। भाई देखो मैं कथा सुनाता हूँ। पैर में चलते चलते क्या होता है यदि कांटा लग गया ना तो समझना चाहिए आपके चलना सफल हो गया। क्योंकि व्यथा रहता है ना कांटे जो लगे ना तब से जो हम चल करके आया था और ऐसे से चल करके आया कांटा कांटे पैर में नहीं लगा तो उससे फायदा क्या हुआ। बोले कथा नहीं है व्यथा। पंडित लोग कहते हैं बोले कथा नहीं है व्यथा। कथा सुन करके मैंने बैठा गया मेरे हृदय में चुप जा लग जा। और नहीं तो ऐसे तो कथा बोलने वाले सब है सुनने वाले कितने हैं। कथा सुन करके हृदय में स्पर्श करे। हाँ अच्छा चलो ये साधु के कितने लक्षण बताया। अरे बताओ कितने लक्षण बताया। हाँ 5 लक्षण साधु होगा भागवत के अनुसार है। क्या क्या बताया। तारुणिका स्मिता सर्वदेहिनाम अजात शत्रु वो संता साधु लक्षणम। ये साधु के 5 लक्षण और संत धीर स्थिर वाले होते साधु है। संत प्रकृति होता है अशांत नहीं धीर स्थिर चित्त बोले होते हैं साधु। तो आइए कथा में यहाँ पर आई लो सकल लोग साक्षी देखी बारे गोपाल देखिया लोग धन्यवाद करे गोपाल सौंदर्य देखी लोग आनंदित प्रतिमा चलिया आईला सुनी विस्मित। मैंने इसलिए कहा था सब साधु एक बराबर नहीं है। मायावादी साधु गोपाल सौंदर्य देखी लोग आनंदित प्रतिमा चलिया आईला सुनी विस्मित तबे सही विप्र आनंदित होया गोपाल आगे पड़े धन्यवाद होया सकल लोग आगे गोपाल साक्षी दिल बड़ विप्र छोट विप्रे कन्नादान कैल बड़ वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ठाकुर तो कथा सुनाया ना राम जी लाल आगे साक्षी दे दिया और जज से है बस यही। देखो अभी कितने मिनट 7 मिनट रह गए। बड़ी मत देखो देखो इस संसार में बचना है तो माया से बचो। माया बहुत प्रबल है दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे जो प्रवदंते माया नेतांग तरंगते भगवान तो माया को पार करके जा सकते। देखिए संसार में सारे जीव माया में ही पड़े हुए हैं और माया के जो 3 गुण या 70 रजत तमगुण ये 70 रजत तमगुण के द्वारा ही जीव सब बोलते जा रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं क्यों तो माया जब पकड़ लेते हैं ना तब टें 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 करना शुरू कर देते हैं है? बिल्ली वो क्या बोले तोते जो है राम राम कृष्ण नाम तो बोलते हैं किंतु जब बिल्ली उसके ऊपर झपट मारता है तो वो तोता क्या बोलता है राम राम छोड़ करके वो क्या बोलते हैं। बोले माया बहुत ये कथा सुना देता हूँ अभी 2-5 मिनट रह गए ना ये कथा सुनाता हूँ बहुत रोचक करके आपके सुनने में बहुत आनंद आएगा। देखो एक पार्क पार्क था जुबली पार्क जैसे अभी तो क्या बन रहा है। एक पार्क में एक सेठ जी अपने बेटी के शादी के लिए बहुत सुंदर रूप में पंडल बनाया। हाँ कथा सुनो आपके आनंद आ जाए। बहुत बड़ा से अपने पत्तल चाट करके पत्तल फेंक देते कुछ नहीं रहता। अरे एक चावल के दाना भी नहीं मिलता। 3 कुत्ते जो है उसी पार्क में एकत्रित होकर के कहने लगे देखो आजकल तो कुछ मिलता ही नहीं
खाना कैसे मिले। तो चलो सुंदर सुंदर सुगंध मिष्टान्न के सुगंध आ रहे थे, लड्डू कचौड़ी पकवान है बासमती राइस ना जाने क्या क्या बनाया, गंध तो आ रही। तीन कुत्ते विचार करने लगे चलो वहीं पर हम लोग कुछ मिल जाए, कर करके निकट आ गया। फिर तीन कुत्ते में फिर कहने लगे ये देखो साधारण लोग तो प्रवेश नहीं कर सकते, हम लोग कुत्ते हैं हम लोग कहाँ प्रवेश कर पाए। वो भी यहाँ पर लिखा है टिकट सिस्टम, वो सिस्टम है जिसका आईडी है वो केवल प्रवेश कर सकते। अच्छा तीन कुत्ते विचार करने लगे बोले कैसे हम जाए, तो एक कुत्ते कहने लगा अच्छा हम प्रयास करके देखते हैं। भाई प्रयास करना तो है तो अच्छा प्रयास करते। तो तीन कुत्ते घूमते घूमते कपड़ा देकर के पहुंच करने पसंद, एक जगह छोटा सा जो है छेद था, तो कुत्ते अपने मुंह के जैसे ऐसे करके घुमा 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 करके थोड़ा बस, और पहले वाले कुत्ते उसके लाम करके चला गया अंदर है। जब गए कितना सुंदर था है भाई, देखो तीन मंजिल था, मैंने कहा दिया था है, एक है गेस्ट, एक होता है वीआईपी और एक होता है सुपर। घूम करते करते कुत्ते फिर घूम करके बाहर आ गए है। जब आगे तब दो कुत्ते बाहर था, बोले भाई तू जल्दी गए जल्दी कैसे आ गया, बोले भाई क्या बताऊं तो अर्थ होता है दर्शक होते हैं ना श्रोत वाक्य होता है, जाने के साथ ही साथ मिल गया, ये दो अर्थ होता है। पहले अर्थ क्या है, बोले जाने के साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड मुझे दंड मार दिया, और ये बोले जाने के साथ ही साथ मिल गया क्या, बोले भोजन मिल गया, मैंने भोजन करके आ गया है। दूसरी कुत्ते बोले मैं भी जाता हूँ, पर तू कहाँ गए थे तू बता, जाने के साथ है वीआईपी लोग आएंगे उसके खिलाने के लिए, और दौड़ करके गए। इतने समय वही सिक्योरिटी गार्ड वो वहीं पर चले, अरे चले फिर तू दोबारा आ गया। भाई देखो वहीं पर नीचे कढ़ाई में जब गर्म पानी होता है ना है, गर्म पानी लोग आज कोई पता है भाई, वीआईपी लोग के गर्म गर्म खाना खिलाना चाहिए ना, यदि कम हो जाए गर्म जल है बोल रहा था बाल रहा था और चावल छोड़ दिया जाएगा साथ ही साथ लोगों के गरम गरम खिला देंगे। इसलिए वहीं पर भी अगर सिक्योरिटी गार्ड बोले अरे थे दोबारा आ गया, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कि थोड़ा गरम पानी ना बाल्टी से गरम पानी उठाया और उसको छोड़ दिया। वो कुत्ते गरम गरम मिल गया, दो अर्थ होता है, एक गरम पानी से मुझे पिटाई किया ये तो अर्थ होता है, और दूसरे गरम गरम क्या होता है देखो मैं सुनाता हूँ। देखो सुबह 4 बजे से रसोई बनाया, वो थोड़ा ठंडा होगी ना भाई, जो मित्र आए हैं नहीं नहीं आपको ये सुबह 4 वाले खाना तो आपको नहीं दूंगा, आपको गरम गरम खिलाएंगे हैं। देखो आप मेरे परम मित्र हो, ये थोड़ी 3 बजे 4 बजे उसको बनाया था उसका आप नहीं कर, इसे गरम गरम आपको खिला दो। अच्छा तो कहने का भाई तेरे इतने देर क्यों हो गया, अरे क्या बताऊं, अरे आने ही नहीं दिया लोग है, भले इतने खिला 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 पिला करके फिर आने नहीं दे रहे थे तो लोगों की उपहार प्राप्ति करके संसार में वो जीव बद्ध हो जाता है। किंतु शास्त्र में भगवान भागवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, तरिगुण विषय वेदा नहीं तरिगुण भवार्जुन, हे अर्जुन वेदों में जो कहा कहेगी वेदों में क्या क्या कहा गया, कर्म ज्ञान जो भक्ति आदि के बारे में कहा, किंतु देखो वेद में भी जो कहा गया ये त्रिगुणात्मक वेद भी हृदय में सत्य रजत तमगुण रहेगा तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस कथा के सार यह है हम माया के त्रिगुण परित्याग करके सत्य रजत तमगुण के प्रति मात्र भक्ति के आचरण करें, भक्ति के आचरण करने से हमारी समस्त माया के गुण अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। क्यों भगवान त्रिगुणादि हरि निर्गुण
ज्योति का शोभा
श्री गुरु गौराम कांधन का विधान राधा कृष्ण बिहारी जी की जय। कदी पुरंग्या श्री की जय। मिथिला भूतम सुभाव सुदंगा आचार्य कृदंती पन कृदा सेवा मंडल स्वामी महाराज की जय। मिथिला भूतम सुदंगा आचार्य कृदंती पन कृदा सेवा नारायण स्वामी महाराज की जय। मिथिला भूतम सुभाव भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। प्रज्ञान महाराज की जय। सिद्धांत सरस्वती गोपाल की जय। रूपांग आचार्य रामाचार्य ठाकुर की जय। गुणवंत अधिकाम संकीर्तन की जय। सपाच सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिराज महाराज की जय। ब्रज मंडल गौर क्षेत्र मंडल की जय। जगन्नाथ वंदे सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। करधाम संप्रदाय कलाचार्य की जय। सर्वज्ञ श्री सिंह देव की जय। डुमराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री भक्ति देवी की जय। गंगा यमुना देवी की जय। श्री भक्तिदान्त माधव महाराज की जय। श्री भक्तिदान्त तीर्थ महाराज की जय। श्री भक्तिदान्त वन महाराज की जय। चंडीपाद गण की जय। मधुवासी ब्रह्मचारी सेवक वृंद की जय। अंध्यादि दर्शनकारी भक्त वृंद की जय। अनंत प्रिय वैष्णव वृंद की जय। गौतमानंदे हरे।